क्या आप जानते हैं रसिया और यूक्रेन में आज यानी कि 7 जनवरी को क्रिसमस मनाया जा रहा है, और आज ही के दिन मानव सभ्यता ने एक ऐसे इंसान को खो दिया था जो अगर नहीं होते तो शायद हम आज भी अंधेरे में होते। 7 जनवरी को होने वाले मानव इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जो शायद आज से पहले आप नहीं जानते होंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अल्फोंसो फिफ्थ पोर्चुगल के राजा बने, बट वी ऑल नो दैट हु इज द रियल किंग ऑफ पोर्चुगल। 1610 गैलीलियो गैलीली ने जुपिटर के 4 चंद्रमा गैनीमेडी, कैलिस्टो, लो और यूरोपा की खोज की। 1738 भोपाल की लड़ाई में मराठाओं की जीत के बाद आज के दिन पेशवा बाजीराव और जयसिंह द्वितीय के बीच एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1782 अमेरिका का पहला कमर्शियल बैंक बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका ओपन हुआ। 1894 थॉमस एडिसन किसी के छींकने की काइनेटोस्कोपिक फिल्म बनाते हैं, विकिपीडिया पे आपको इसका पेज भी मिल जाएगा फ्रेड ओटीटीएस नीच के नाम से। जिन लोगों को नहीं पता कि एक काइनेटोस्कोप क्या होता है तो उन्हें बता दूं कि ये एक तरह का डिवाइस था जिसमें आप पिक्चर्स को मूव होता हुआ देख सकते थे। मॉडर्न हिसाब से आप इसको स्लाइड शो भी कह सकते हैं। एक बार में केवल एक ही पर्सन इसे देख सकता था और ये बहुत पुराना तरीका था एक वीडियो को देखने का। और आज ही के दिन विलियम कैनेडी डिक्शन को मोशन पिक्चर फिल्म्स का पेटेंट भी मिल गया था। 1904 बचाव संकेत CQD को एस्टैब्लिश किया गया। 1943 फेमस सर्बियन अमेरिकन इन्वेंटर निकोला टेस्ला के जीवन का अंत आज ही के दिन हुआ था। इनके अल्टरनेटिव करंट के डिजाइन की वजह से ही आज हम रात के अंधेरों में भी उजालों में हैं। 1948 केंटकी एयर नेशनल गार्ड पायलट थॉमस मेंटल क्रैश हो जाते हैं जब वह एक UFO का पीछा कर रहे होते हैं। अब वहाँ असल में क्या था ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन ये उस समय एक बहुत बड़ी न्यूज बन चुकी थी। 1962 फेमस अमेरिकन एक्टर निकोलस केज का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1972 आइबेरियन फ्लाइट 602 क्रैश हो जाती है जिसमें सवार 104 लोग मारे जाते हैं। 1985 जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने साकीगाकी सैटेलाइट को लॉन्च किया, ये जापान का पहला इंटरप्लेनेटरी स्पेसक्राफ्ट था। 2020 प्यूर्टो रिको में 6.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है जिसमें 4 लोग मारे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी डेली वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।